A very good morning, dear student. Student, today we will start a new chapter, and new chapter name is trial balance. My dear student, first of all हमने जनरेट्री करी, then lasers, then trial balance, and this is sequence of the accountancy. ये accountancy का sequence है. आपके book में sequence में chapter तो नहीं है, but this is sequence in your accountancy. That first of all you have to do the जनरेट्री. It means if any dealings has done, then in accounting form you have to record. तो उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर्म में उसे रिकॉर्ड कर लेना. इसके बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर्ड द लेजर्स. तो हमने लेज़र बनाया और उसमें बहुत सारे हमने बैलेंसेस कैलकुलेट करे और डिफरेंट अकाउंट में हमने देखे कि किस तरह से बैलेंस कैलकुलेट होते हैं. नाउ वी वॉन्ट टू डू द ट्रायल बैलेंस. माई डियर स्टूडेंट, वाई वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस? हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बना रहे हैं ताकि हम चेक कर पाएँ, अर्थमैटिकली एक्यूरेसी को चेक कर पाएँ कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट और नॉट. बिकॉज मैनी जर्नल एंट्रीज वी हैव मेड, मैनी लेजर्स अकाउंट्स वी हैव मेड. नाउ वी विल चेक फाइनली डेट फाइनली एवरीथिंग इज़ करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस एक फॉर्मेट होगा, उसमें एक डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, और एंड में अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाती है तो हम ये कहेंगे डेट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज़ करेक्ट. मतलब सब कुछ सही है, एवरी जनरल एंट्रीज, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस, एवरी थिंग इज़ करेक्ट, और जहाँ से हमारा सिक्वेंस है वो वहाँ तक सही पहुँचा है. तो माई डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस. मीनिंग, वेन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन टू द लेजर्स इज कम्प्लीटेड एंड अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ, देन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज ऑन पुट ऑन अ लिस्ट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. माई डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द जर्नल एंट्रीज, देन यू विल प्रिपेयर द लेजर्स, और जब आपके लेजर बन जाएंगे एंड फाइनली आपका बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो उस बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना है. यू हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ लेजर्स इन टू द ट्रायल बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है. तो दिस इज द मीनिंग. नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन. डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज. डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज क्या है? ये लिस्ट है. इसका मतलब एक पेज पे हमें सारे लेजर की लिस्ट नज़र आ जाएगी, सारे बैलेंस नज़र आ जाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा लास्ट वीडियोस में, लास्ट असाइनमेंट्स में, कि हमने देखा कि हमने जब लेज़र बनाए, कैश लेज़र, बैंक लेज़र, या फिर हम कहते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट हमने बनाए, बहुत सारे हमने अकाउंट बनाए, बहुत सारे लेज़र बनाए, तो हमने एक चीज़ को चेक करा कि थोड़ा सा काफ़ी सारी उसके अंदर डीलिंग्स आई नहीं और काफ़ी सारे पेजेस पे वर्क हुआ था. बट माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू विल डू द ट्रायल बैलेंस, तो इन अ वन पेज एवरी बैलेंसेस विल कम. तो सारे बैलेंसेस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड कैपिटल का बैलेंस, मशीनरी बैलेंस, एवरी बैलेंस विल कम ऑन द ट्रायल बैलेंस ऑन द वन पेज. तो एक पेज पर आपको सब कुछ नज़र आने वाला है. इसलिए यहाँ पर पहली लाइन में बता दिया डेफिनेशन में, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज टेकन आउट फ्रॉम लेजर, जो कि हम लेजर से रहेंगे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक. तो यहाँ पर हम कैश और बैंक के भी बैलेंसेज को लेने वाले हैं. माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बना रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन, इट इज एन अनसर्टेनिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स अकाउंट्स. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम असर्टेन करने वाले हैं द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स अकाउंट, बिकॉज इन द लेजर्स वी कैलकुलेटेड मैनी बैलेंसेज. तो एट प्रेजेंट वी विल चेक डेट अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे. सेकेंड इज़ अ हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स. एरर्स को ढूंढने, गलतियों को ढूंढने में भी डेफिनेटली हमें इसमें हेल्प मिलने वाली है. नेक्स्ट इज़ अ प्रोवाइड्स द समरी ऑफ द लेजर्स. लेजर जितने भी हम बैलेंस बनाएंगे, एक पेज पे हमें वो सारे उनके बैलेंस नज़र आने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में. तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ऑन वन पेज, एक पेज के ऊपर सारे बैलेंसेस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, मशीन बैलेंस, सब कुछ हमें एक पेज पर नज़र आएगा. इट्स मीन्स द समरी ऑफ द बैलेंसेज विल कम ऑन द ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट इज अ हेल्प इन
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट काफ़ी आगे चैप्टर है हमारा, उसे हम करेंगे. फाइनल अकाउंट मीन्स फाइनल अकाउंट, आखिरी अकाउंट, बिल्कुल लास्ट अकाउंट, तो उसे हम लास्ट में करेंगे बिकॉज काफ़ी आगे चैप्टर है ये हमारी बुक के अंदर भी. बट फाइनल अकाउंट में हम क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट आएगा व्हाई यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस. डेफिनेटली यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट. आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं डैट्स व्हाई यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस. तो अगर प्रॉफिट को अर्न करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट कैलकुलेट हम करेंगे फाइनल अकाउंट में, आखिरी अकाउंट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग हुई, उसको आपने एंटर करा, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. इन बाय द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस वी विल मेक द फाइनल अकाउंट. इस ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा, आखिरी अकाउंट बनाया जाएगा. एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. वी विल चेक. डियर स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मैनी टाइम्स हमने इसे सीखा है बिकॉज द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वी नो वेरी वेल अबाउट इट. द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, दैट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच. ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट के रूल हमने आपको करवा रखे हैं और आपको अब पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपने रूल्स पता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसिज लॉसेज डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट, एसेस डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट. दीज आर द 8 रूल्स एंड ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टैंड द रूल्स इन द जनरल एंट्री चैप्टर. नाउ वी विल सी दीज थिंग, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. डेबिट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एसेट्स, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्यों, बिकॉज ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए कुछ भी सामान या पैसे निकालना. कौन निकालता है, ऑनर ऑफ अ बिजनेस. अगर निकालेगा तो डेफिनेटली दिस एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस. तो ड्राइंग इज द एक्सपेंसिस ऑफ अ बिजनेस, डेट्स वाई इट शुड बी डेबिट. डेटर हमारी एसेट होती है, एक्सपेंसिस एंड लॉसेज ये सब डेबिट हैं. लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम एंड गेन, दीज आर द क्रेडिट बैलेंस. माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बताया गया हैड्स ऑफ अकाउंट्स. हेड्स ऑफ अकाउंट्स लाइक मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी आपने लेजर बनाए हैं उनके हेड्स आपको दे देंगे. हेड्स ऑफ अकाउंट मतलब हेड्स ऑफ लेजर्स. उससे पहले आप एक सीरियल नंबर का भी कॉलम बना सकते हैं 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर से लिखने के लिए. नेक्स्ट इज अ LF, लेजर फोलियो. नेक्स्ट इज अ डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. यहाँ पर दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट के बने हैं जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट लिखने वाले हैं. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन वन एग्जांपल. एक एग्जांपल पर आते हैं और चेक करते हैं. क्वेश्चन में लिखा है, एग्जांपल में लिखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोहन एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर्स. पोस्ट देम इनटू, अगेन वी विल रीड, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. हमें भी कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं नीचे. पास नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको कुछ जनरल एंट्री बनानी है, पास करनी है इन द बुक ऑफ मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी में करनी है. पोस्ट देम और इनको पोस्ट करना है इनटू लेजर्स, लेजर्स में पोस्ट करना है एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. माय डियर स्टूडेंट, जनरल एंट्री आपने बनाना सीख लिया है, लेजर्स आपने बनाने सीख लिए हैं, बट आज हम सीखेंगे लेजर्स की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना. लेकिन अगर डीलिंग दे रखी है तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सी डीलिंग है. सबसे पहले देते हैं 2019 जनवरी 1st, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से और अमाउंट इज़ अ, चेक कर लेते हैं अमाउंट, अमाउंट इज़ अ 80,000. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी सिंपल जनरल एंट्री. बिजनेस स्टार्ट हुआ तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू द बिजनेस. तो कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिस जनरल एंट्री शुड बी मेक. आप चेक कर सकते हैं जब जनरल एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लेकिन आज हम जनरल एंट्री बनाना नहीं सीख रहे हैं. ये आपको, आपके पास दिस इज अ क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसका सॉल्यूशन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे हमने बहुत सारे लेज़र बनाए हैं, लाइक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बना दिया हमने, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सोहन अकाउंट, रमेश, ड्राइंग्स अकाउंट. दीज आर द लेज़र्स. ये बहुत सारे हमने लेज़र्स बनाए हैं किसकी हेल्प से, इन जनरल एंट्रीज की हेल्प से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द जनरल एंट्रीज.
बट माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता नहीं है। पहले इतनी सारी आप जनरेटिव बनाओ, उससे लेज़र बनाओ और इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ। एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिस अ कॉन्सेप्ट, इस बात को हमें सीखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द जनरेटरी, देन यू विल प्रिपेयर द लेज़र, एंड बाय द हेल्प ऑफ द लेज़र यू विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमें सीखना है। तो यहाँ पर हमने इन ट्रांजेक्शन से इन जनरेटरी को बनाएंगे, जनरेटरी से ये लेज़र बनाएंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज को, यहाँ तक लेज़र बनाएं, देन इस फाइनली पेज पर हमने ट्रायल बैलेंस बना के तैयार करा है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला वर्ड हमें कैपिटल नज़र आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल नज़र आता है, बट हमें बिल्कुल सिक्वेंस में चलना चाहिए। यहाँ पर जब हम लेज़र पर आते हैं तो लेज़र में कैपिटल सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर कैश। तो कैश जब आपने बनाया तो कैश का आपने बैलेंस कैलकुलेट करा। माय डियर स्टूडेंट, हम इस बैलेंस की बात कर रहे हैं जो आपने कैलकुलेट करे हैं, बाय बैलेंस सीडी, इस बैलेंस की बात करते हैं। और इस बैलेंस का आंसर आता है माय डियर स्टूडेंट 44,500। इस बैलेंस को आप ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे। अब कैसे लिखे जाएंगे उस चीज़ को चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पर कैश सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे फर्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं। और इसका बैलेंस हम यहाँ पर चेक करेंगे 560 रुपीज़ हमने इस बैलेंस को हमने कहाँ पर लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया है। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज कैश इज़ अ एसेट एंड एसेट शुड बी डेबिट, तो इट शुड बी कम इन द डेबिट साइड। माय डियर स्टूडेंट, डेबिट साइड माना चाहिए। या फिर एक बार और हम इस बात को समझ सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, जब हम इस बैलेंस को उठा के लेके आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं कैश बुक में, जब आप इस बैलेंस को लेके आते हैं जो आपने कैलकुलेट करा बैलेंस सीडी, तो आप देखिए जब बैलेंस सीडी जो होता है 44,000 नज़र आ रहा है, 44,560 का बैलेंस नज़र आ रहा है जो आपने कैलकुलेट करा है, लेकिन जब आप इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बैलेंस कहाँ चला जाता है, टू साइड में चला जाता है ट्रांसफ़र होके। और उस बैलेंस को आप लिखते हैं जनवरी के बाद फरवरी आती है, 1 फरवरी 2019, टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 44,560। तो जो बैलेंस आप ट्रांसफ़र करके लेके आए हैं उस चीज़ को आप देख लीजिए, इस बीडी वाले बैलेंस को देख लीजिए, ये कहाँ पर आया है, ये आया है टू साइड इज़ अ डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आया है, तो इट्स मीन्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में हमें लिखना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है इस बैलेंस को डेबिट साइड में 44,560 रुपीज़ इन द डेबिट साइड। अदरवाइज़ हमें पता है कि एसेट्स, कैश इज़ अ एसेट, एसेट इज़ अ डेबिट, तो डेफिनेटली शुड कम इन द डेबिट साइड। माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द सेकेंड लेज़र। सेकेंड लेज़र नेम इज़ अ कैपिटल। माई डियर स्टूडेंट, वी कैन सी हियर कैपिटल। अब हम कैपिटल के बैलेंस पे जाते हैं, तो आप जो ट्रांसफ़र करके बैलेंस लेके गए हैं, ये ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लेके गए हैं माई डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर चेक करेंगे, टू बैलेंस सी डी लिखा है, लेकिन जब ट्रांसफ़र करा 1 फरवरी में, तो बाय बैलेंस बी डी बैलेंस यहाँ पर आया, ये आया 80,000 रुपीज़ का। अब ये कौन सी साइड आया, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, बाय साइड इज़ अ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में निकल के आया है। तो अगर क्रेडिट साइड में निकल के आया है तो आप इसे क्रेडिट साइड में ही लिखिए, 80,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। माई डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा है उन्होंने कैपिटल, आप इसे सेकंड नंबर पे लिखिए, लेकिन अमाउंट इसकी चेक करिए, अमाउंट इज़ अ 80,000। और कौन सी साइड है, इज़ अ क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इज़ अ क्रेडिट, तो दिस अ रूल कि ये क्रेडिट में ही आना चाहिए। अदरवाइज आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आपने ट्रांसफ़र कराया सी डी से जब बी डी ब्रॉट डाउन करा है, तो वो कहाँ पर आया है, वो डेबिट में आया है क्रेडिट में आया है? अगर वो डेबिट में आया है तो आप डेबिट में लिखाइए, अगर वो क्रेडिट में आया है तो आप क्रेडिट में लिखाइए। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड लेज़र। तीसरे लेज़र पर आते हैं, थर्ड लेज़र का नाम है यहाँ पर, वी विल चेक, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, नाउ वी विल कम परचेज अकाउंट। थर्ड लेज़र नेम इज़ अ परचेज अकाउंट। परचेज का आंसर चेक करते हैं, परचेज का आंसर बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 79,000 बाय साइड में निकल गया माई डियर स्टूडेंट, लेकिन आपने इसमें इन्होंने सॉल्यूशन में इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करा है, ये जो ट्रांसफ़र करना चाहिए थे टू साइड में नहीं करा है। तो कोई बात नहीं माई डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बैलेंस सी डी है तो जब ये बी डी में जाएगा, टू साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो आपको ये 79,000 परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में लिखने चाहिए। तो आप आएंगे यहाँ पर, आप चेक करेंगे, थर्ड नंबर पे इन्होंने परचेज़ ही लिख रखा है,
और इसका आंसर डेबिट साइड में आना चाहिए 79,000 बिकॉज परचेज कम्स इन, परचेज आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली परचेज कम्स इन टू द बिजनेस और परचेज आएगी तो डेबिट होगी, या फिर हम कह सकते हैं परचेज इज एक्सपेंसिव ऑफ बिजनेस, डेट्स वाई इट्स अ डेबिट। माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल गो फोर्थ लेजर, फोर्थ लेजर पर जाएंगे और बैलेंस को ट्रांसफर करते रहेंगे इसी तरह से। फोर्थ लेजर का नाम है यहाँ पर, माई डियर स्टूडेंट, सेल्स। फोर्थ लेजर का नाम है सेल्स। सेल्स का इन्होंने बैलेंस निकाला है, ये बैलेंस निकाला बाय बैलेंस सी डी, कैलकुलेट कराया इन्होंने कितने रुपये, 50,000 रुपीज़ का बैलेंस कैलकुलेट किया गया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराया, जो कि यहाँ पर बाय साइड में ट्रांसफर होना चाहिए, बाय साइड इज़ अ क्रेडिट साइड, और अगर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होना चाहिए तो इसका मतलब इसका आंसर क्रेडिट साइड माना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ अ सेल्स, और सेल्स की अमाउंट क्रेडिट साइड में आप चेक करिए 50,000, बिकॉज सेल्स सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, तो डेफिनेटली सेल्स से इनकम होती है, सेल्स इज़ अ इनकम और इनकम शुड बी क्रेडिट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग भी ये अपने साइड में जा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट में। और अगर आप चेक करें तो जो आपने सीडी वाला बैलेंस निकाला, अगर आप उसे ब्रॉड मतलब आप ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रॉड डाउन होगा, तो उस समय आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने कैलकुलेट करा है तो वो वहाँ जाके क्या होगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये सारे के सारे जितने भी हैं ड्राइंग्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये सारे के सारे बैलेंसेस उठा के यहाँ पर पुट करने हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ये सारे बैलेंसेस लिख देंगे देन यू विल टोटल, यू विल प्लस एंड टोटल एंड बोथ साइड टोटल विल बी, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो डेफिनेटली आप कहेंगे डैट एवरी अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज़ करेक्ट, इट्स मीन्स योर ऑल जनरलिटी इज़ करेक्ट, योर ऑल लेजर्स इज़ करेक्ट एंड नाउ ट्रायल बैलेंस ऑल्सो करेक्ट, ट्रायल बैलेंस भी सही हो चुका है और ट्रायल बैलेंस ने एक आप पे स्टैम्प लगा दिया है डैट एवरी थिंग इज़ करेक्ट, कहीं मिस्टेक नहीं है। तो माई डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू इट, आप इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, यही आपके लिए असाइनमेंट है दिस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।